अचानक से भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव से पहले फुल एक्शन में नजर आने लगी है, जो भारतीय जनता पार्टी अपने एक्शन को बहुत ही हिसाब से और पर्दे के पीछे चला रही थी वो अब खुलकर सामने आ गई है। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण तो ये कि कहीं ना कहीं अब चुनाव के दिन धीरे धीरे करीब आने लगे हैं और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी भी अपने आप को इस गर्मी और ठंड में दोनों को आजमा लेना चाहती है कि वो कितना गर्मी और कितना ठंड बर्दाश्त कर सकती है। चुनावी समर में कूदने से पहले एक तो पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना नेता मान लिया है नीतीश कुमार को, पर यह कोई अस्थाई बात नहीं है क्योंकि राजनीति में कुछ भी अस्थाई नहीं होता है। जिस तरह से महागठबंधन में रिएक्शन हो रहा है उसको लेकर के एक्शन में आ गई है भारतीय जनता पार्टी। और आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम है घर वापसी। वापसी सुनकर के आपको निश्चित रूप से कई ऐसे वारदात और कई ऐसे घटनाक्रम याद आने लगे होंगे। निश्चित रूप से जिस तरह से महागठबंधन में सम्मान और स्वाभिमान की बात हो रही है, ये बातें 2015, 16, 17 में भी हुई हैं, 2013 में भी हुई थी, 2014 में भी हुई थी, और बहुत सारे लोगों ने स्वाभिमान और सम्मान को लेकर के इधर उधर अपना पाला बदला था। कई लोग कहीं और चले गए थे और कई लोग वहाँ से कहीं और चले गए थे। यानी एनडीए और महागठबंधन में जिस तरह से आने जाने का दौर जारी था उसे लेकर के एक बात तो तय थी कि सब अपने अपने हिस्से का स्वार्थ साध रहे थे। कहा भी गया है कि सुरनर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। अब ये प्रेम कहाँ से, अब प्रेम की बात हुई तो प्रेम रंजन पटेल की बात जरूर होगी क्योंकि प्रेम रंजन पटेल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और काफ़ी प्रखर होकर के अपने ही अंदाज में अपनी बातें रखते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से महागठबंधन में उथल पुथल मचा हुआ है उसे लेकर के बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि जीतन राम मांझी जैसे सम्मानित और पुराने नेता के साथ दो दिनों से राजनीति करने वाले तेजस्वी यादव व्यवहार कर रहे हैं, वैसे में मांझी जी का स्वाभिमान महागठबंधन में बिल्कुल बचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तेजस्वी यादव लगातार जीतन राम मांझी को अपमानित कर रहे हैं। मांझी के खिलाफ जिस तरह की भाषा का और व्यवहार का उपयोग कर रहे हैं उन्हें देख करके ऐसा लगता है कि उन्हीं की कृपा पर मांझी जी के बेटे को MLC बनाया गया और कहीं ना कहीं मांझी जी भी उनके कृपा के पात्र हैं, जबकि जीतन राम मांझी वो शख्स रहे हैं जिन्हें नीतीश कुमार जैसे दिग्गज नेता ने मुख्यमंत्री के काबिल समझा था और पूरी पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। जीतन राम मांझी क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहे हैं जो कि जरूरी भी है, इसमें गलत कहां है। इन सब बातों को लेकर के उन्होंने सिर्फ जीतन राम मांझी ही नहीं कुछ और भी पुराने साथियों के तरफ इशारा किया है। शायद उनका इशारा RLSP और उपेंद्र कुशवाहा पर भी है, पर जैसा कि भारत लाइव आपको पहले ही बताया कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि RLSP तभी जा सकती है जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाएं। क्या प्रेम रंजन के पटेल के इस बयान में केंद्रीय नेतृत्व का कोई ना कोई इशारा है जिसे वो स्पष्ट नहीं अस्पष्ट रूप से बिहार और बिहार के राजनीतिक दलों को, उनके कर्ता धर्ता को ये संदेश दे रहे हैं कि यदि आप तैयार हैं तो हम NDA का स्वरूप बदल भी सकते हैं। बहुत कुछ अभी बाकी है बिहार के इस चुनावी वर्ष में। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से गर्मी और सर्दी का तापमान टेम्परेचर नाप रही है, उस टेम्परेचर को नापने में कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार पर पुनः या फिर इसे कहा जाए अकेले नए साथियों के साथ सत्ता पर आने का कोई विकल्प नजर आता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नीतीश कुमार के साथ NDA का कार्यकाल समाप्त भी हो जाए। बहुत कुछ बिहार की राजनीति में होना है। जानते ही आप कि बिहार राजनीतिक रूप से काफ़ी परिपक्व है, पर
इन सब बातों के बीच में एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इन सब बातों पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है कांग्रेस के नेता प्रेमचंद मिश्र ने। एक तरफ जहां प्रेम वापस बुला रहे हैं, घर वापसी की बात कर रहे हैं, वहीं एक दूसरे प्रेम हैं जो कांग्रेस के हैं, काफ़ी प्रखर प्रवक्ता बोले जाते हैं और एक लंबी राजनीतिक अनुभव के माहिर माने जाते हैं प्रेमचंद मिश्र। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि महागठबंधन एकजुट है और जिन लोगों के लाल टपक रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। सीधे तौर पे एक कहावत है कि काठे कटर ओठे तेल वाली बात है और ये कभी भी संभव नहीं है कि जो लोग अपमानित होकर प्रताड़ित होकर के एनडीए और भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार से अलग हुए हैं वो पुनः उनके साथ चले जाएं। कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्र ने कहा है कि जीतन राम मांझी के बयान का कोई भी अर्थ निकालना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। वो ऐसा बयान दिए हैं जिस बयान में ये कहीं नहीं नज़र आता है कि वो एनडीए के साथ जा रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ समय तक उन्होंने एनडीए के लोगों को या खास करके भारतीय जनता पार्टी को खुश होने का एक मौका जरूर दिया है, पर यह तय माना जाए कि कहीं भी कोई भी बाहर जाने की स्थिति में नहीं है। अब स्थिति यह है कि जहाँ तक जीतन राम मांझी का सवाल है, जीतन राम मांझी हमेशा इस तरह के बयान देते रहे हैं। प्रेमचंद मिश्र ने यह भी कहा है कि हाँ, मांझी जी के बयान थोड़े से जरूर चिंताजनक हैं, वो ऐसा बयान अक्सर देते रहते हैं, पर अभी तक महागठबंधन एकजुट है और इसमें किसी तरह का कोई दरार नहीं है। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, अभी बहुत कुछ बाकी है। भारत लाइव भी आपको लगातार बता रहा है कि थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और इंतज़ार का फल बड़ा मीठा होता है। एक तरफ प्रेम प्रेम से बुला रहे हैं, दूसरी तरफ प्रेम प्रेम से अपने साथ रखने की बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये प्रेम का प्रेम से जो आमना सामना हुआ है, इसमें देखने वाली बात हो गई कि महागठबंधन और एनडीए यानी कि आरजेडी कांग्रेस और हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के साथ महागठबंधन को खुशी मिलती है या फिर एनडीए में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को खुशी मिलती है। क्योंकि अगर जीतन राम मांझी एनडीए की तरफ जाते हैं तो एलजेपी को निश्चित रूप से इस बात की खुशी नहीं होगी, क्योंकि जो सीटें दी जाएंगी जीतन राम मांझी को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एलजेपी के हिस्से से ही कट कर जाएंगी। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि न तो भारतीय जनता पार्टी अपना हिस्सा छोड़ने के लिए तैयार है और न नीतीश कुमार अपने हिस्से का किसी और को देने वाले हैं। ऐसी स्थिति में विकट परिस्थिति एनडीए के लिए भी पैदा हो सकती है। मांझी वेलकम है कि नहीं है, ये फैसला भले ही नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी करे, पर इस फैसले का असर एलजेपी पर होना है और एलजेपी कभी नहीं चाहेगी कि जीतन राम मांझी जैसे नेता और दल एनडीए का हिस्सा हो। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।